वनकम वेलकम बैक टू माय चैनल नो लॉन्ग ब्लॉगिंग। आज मैं और प्रेमजीत जा रहे हम लोग तिरुपति जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। और बेसिकली हम लोगों का अभी लेट हो चुका है क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं। फिर दो मिनट में हम लोग भाग भाग के स्टेशन से रूम पहुंचे, फिर वहाँ से रेडी होकर निकल गए। हम लोग टोटल तीन मिनट लगा हम लोगों को रेडी होकर निकलने में। अभी हम लोग बस ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, एक ही ट्रेन है हम लोगों का, लास्ट ट्रेन 3:50 में। उसमें अगर नहीं जा पाएंगे तो ट्रेन मिस हो जाएगा। मतलब 4:35 को MGR से टिकट है, वहाँ से हम लोग चलेंगे। तो अभी हम लोग स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। ब्लॉग बना रहे हो, इधर सांस फूली पड़ी है यार, तुम बता रहे हो दौड़ फोड़ के, दौड़ा दौड़ा कर मार डालोगे बता रहे हो। अरे तो चलिए अभी हम लोग आगे मिलते हैं MGR चेन्नई सेंट्रल। वहाँ पे हम लोग दो दोस्त आने वाले हैं, तो अभी वहाँ पे हम लोग जाके आप लोगों को दिखाने वाले हैं कैसा गर्मी है। आप देख पा रहे हैं चेन्नई हम लोगों को ले रहा है पूरा अपने तरीके से। बस दिक्कत यही है कि हम लोग भी दे रहे हैं अपने तरीके से, जितना चाहे ले ले, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो अभी MGR चेन्नई सेंट्रल हम लोग पहुँच चुके हैं। प्रेमजीत और मैं भाग रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का टाइम अभी 4:20 हो चुका है, क्योंकि ट्रेन नहीं था, 25 मिनट लेट ट्रेन आया। तो अभी जस्ट हम लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है। प्रेमजीत भाग रहा है, हमको भी भागना पड़ रहा है क्योंकि 5 मिनट और टाइम है, ज़्यादा नहीं है। तो MGR चेन्नई सेंट्रल पहुँच चुके हैं हम लोग अभी, इधर हम लोगों को जाना है। देख सकते हैं प्रेमजीत भी भाग भाग के आ रहे हैं और बहुत भीड़ है और ट्रेन भी लेट हो चुका है। तो अभी हम लोग ट्रेन पे चढ़ चुके हैं और मेरा दो दोस्त भी आ चुके हैं। ये मेरा दो दोस्त है, इसका नाम है विजया, इसका नाम है अनिंदिता। देख सकते हैं ये दोनों का कितना अच्छा बॉन्डिंग है। ये दोनों कुछ वेब सीरीज वगैरह कुछ देख रही है, दोनों कितना हंस रही है, देखिए मस्त इंजॉय कर रही है दोनों, सफ़र का भी और फ़ोन में मूवीज़ का भी। ये देख सकते हैं प्रेमजीत भी इंजॉय करना है अपना फ़ोन को। सो फाइनली हम लोग तिरुपति पहुंच चुके हैं, विजया अनिंदिता एंड प्रेमजीत। अभी हम लोग निकलेंगे इस साइड से। आप लोग देख सकते हैं तिरुपति पहुंचने के बाद इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब ये देखिए आप लोग स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए भी जगह नहीं है। सब मंदिर के लिए आए हैं सुबह, सब जगह पे लाइन लगाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बस यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से उठेंगे स्टेयर्स पे, फिर चलेंगे रूम ढूंढेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। बेसिकली यहीं का रूल्स क्या होता है, पहले हम लोग स्टेशन पे आए, वहाँ पे हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पास लेना पड़ता है सबसे पहले। सबसे पहले मंदिर दर्शन करने का दो ही तरीका होता है, एक पैदल जा सकते हैं 9 किलोमीटर और नहीं तो बस पर जा सकते हैं 25 किलोमीटर, 1 घंटा 25-20 मिनट का रास्ता है। तो उसके लिए हम लोगों को पास लेना पड़ेगा, वो आपको प्रेमजीत बताएगा कैसा कैसे लेना पड़ता है, क्या सीन रहता है। यहाँ पर तीन जगह हैं पास लेने के। हम लोग विष्णु निवासन में आए हैं और एक श्रीनिवासन है और एक और है जगह जहाँ पर पास मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग विष्णु निवासन में आए हैं। तो क्या है कि पास इधर मिलेगा लगभग 2 बजे 2:30 बजे हमें आना पड़ेगा, 3:30 बजे की लाइन लगेगी बोल रहे हैं, तो हमें थोड़ा पहले आना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, रूम देखेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद खाना वाना खा करके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर रात में आकर के यहाँ पर पास के लिए लाइन में लगेगा। 3:30 बजे हम लोग आके लाइन पे लगना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों को 2:30 बजे उठना पड़ेगा और सब सामान भी रेडी करना पड़ेगा। बहुत दूर है वैसे, इधर से लगभग 27 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन जो पास बनाने के बाद पास में जो पैदल जाता है उसमें 9 किलोमीटर लगता है वहाँ से स्टार्टिंग से, उससे पहले गाड़ी से जा सकते हैं। और जो हम लोग जाएंगे, हम लोग बेसिकली क्योंकि हम लोगों के साथ दो फ्रेंड है, उन लोगों को हम 9-10 किलोमीटर इतना पैदल नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर है, और इसके लिए हम लोग बस का रूट चूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को टिकट के लिए खड़ा होना पड़ेगा 9-10, मतलब कितना बताएगा आप, अभी आप देख सकते हैं इतना भीड़ है, मैं बता दूँगा। आप लोग देख सकते हैं इतना जन पहले से लाइन दे के मतलब बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, जो भी जैसा है। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, उसके अंदर मतलब लगभग 50-60 जन अंदर बैठा है, लेटा है, तो वो लोग भी पास के लिए वेट करेगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं तिरुपति स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है, इसका ऑपोजिट में इधर रेस्टोरेंट है इतना सारा, ये देखिए पंजाबी ढाबा है, प्योर वेज है, ये सलवा भवन है, ऐसा करके बहुत सारा रेस्टोरेंट्स है, सब इसमें पूरा रोड पे पूरा वेज मिलता है। हम लोग अभी पंजाबी ढाबा में घुस रहे हैं क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं तो वेज खाना खाएंगे। तो ये लोग अंदर वहाँ पे मिल देख रहे हैं क्या मिल है नहीं है, सर पे हाथ दे के देख रहा है मिल क्या है। चूज़ किया कुछ आप लोगों ने? चूज़ किया, बताइए क्या चूज़ किया। आलू पराठा चूज़ किया दो, अनिंदिता ने, विजया ने और आपने और मैंने स्पेशल थाली, पंजाबी स्पेशल थाली। ओके डन, अभी दिखाते हैं आप लोगों को खाना कैसा आ रहा है।
सो जैसे कि हम लोगों का मील आ चुका है, तंदूरी रोटी, पनीर बटर मसाला, मटर, चना मसाला और दाल फ्राई। उसके साथ साथ रायता आया है, ये ऑनियंस आया है, इसके साथ साथ लेमन भी दिया है और अचार भी दिया है। बस यही हम लोग ऑर्डर किया है, और इसने ऑर्डर किया है परोठा और उसके साथ साथ पनीर बटर मसाला। अनिंदिता ने ये सब ऑर्डर किया और हम तीनों ने सेम ऑर्डर किए हैं। तो स्पेशल थाली हम लोगों को महंगा पड़ गया, क्योंकि स्पेशल थाली हम लोग ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। चार चार बड़ा बड़ा रोटी दिया है, उसके साथ साथ इतना अच्छा अच्छा सब्जी दिया है, ऊपर से राइस भी है। राइस हम लोगों ने नहीं खाया, इसका हालत टाइट हो गया है। बोलो, कुछ बोलना है? हाँ, तो जितना हम लोग बचाए हैं एक जन का लिए तो काफ़ी है। मैंने पूरा थाली ख़त्म किया है, ये प्रेमजीत, इनसे रहा नहीं गया, ये मेरे को दे दिया। विजय ने भी ऑलमोस्ट कर दिया है, और ये अनिंदिता ने पूरा वेस्ट किया है। मेरे प्लेट पे आपने रखा एक रोटी, और ये प्रेमजीत ने एक रोटी वेस्ट किया है। अभी हम लोग रूम दिखा रहे हैं आप लोगों को। हम लोग ये वाला रूम दिए, ये वाला रूम है विथ एसी। हम लोगों को 1500 बोला गया था, हम लोग 1200 में एडजस्ट कर लिए हैं। इधर एक टेबल है, टीवी है जो चलता नहीं है, पर रूम अच्छा है। हम डबल शेयरिंग बेड लिए हैं, और ये वास्तु में वेस्टर्न वाला डिज़ाइन है। हम लोग इधर रहने वाले हैं, कल सुबह निकलेंगे, और सुबह हम लोगों को पास लेने के लिए निकलना पड़ेगा, फिर रात को हम लोग निकलेंगे। अभी आगे जो देखते रहेंगे।